चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का पंजाबी न्यूज़ च स्वागत है। मैं हूं थोड़े नाल रिदम। खबरों की शुरुआत करने तो पहला एक नज़र मारते हैं कुछ खास हेडलाइंस से। अगले साल छत्तीसगढ़ विखे होगी G20 समूह की बैठक, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। NIA ने जम्मू कश्मीर च पोस्टर लगा के चार आतंकवादियों बारे मंगी जानकारी, रखा गया 10-10 लाख रुपए का इनाम। तरन तारण के पुलिस थाने से हुए रॉकेट लॉन्चर हमले को लेकर भगवंत मान का वड्डा बयान, कहा सरकार नहीं होन देवेगी पंजाब की शांति नूं भंग। ते हुण खबरां विस्थार नाल। G20 के चौथे वित्त कार्ज समूह की बैठक अगले साल सितंबर च छत्तीसगढ़ च होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके अज जानकारी सांझी की है। G20 समूह की जिम्मेवारी मिलन तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूह की बैठक देश के वख-वख सूबों ते प्रदेशों च करवाउण दी गल कही सी, ताकि समूह के दूजे देश भारत की संस्कृति ते लोक कला तो जाणू होण। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीर के कई हिस्सों में पाबंदी शुदा अतवादी संगठन लश्करे तोयबा के फ्रंट संगठन द रजिस्टेंस फ्रंट के चार अतवादियों बारे जानकारी मंगन वाले पोस्टर लगाए ने। भारत में हिंसा करने जम्मू कश्मीर के नौजवानों कट्टरपंथी बनाने प्रेरित करने भर्ती करने की कोशिश के सिलसिले च दो पाकिस्तानी नागरिका समेत चार अतवादी NIA वालों लोड़ींदे ने। जांच एजेंसी पहला ही चार अतवादियों चो हरेक 10 लाख रुपए के नकद इनाम का ऐलान कर चुकी है। उधर तरन तारण च पुलिस थाने ते रॉकेट लॉन्चर नाल होए हमले ते मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मीडिया ने दी गई जानकारी च भगवंत मान ने कहा है कि दुश्मन देश ने 10 साल पहला पंजाब की भाईचारक सांझ खत्म करने की कोशिश की सी, पर वो सफल नहीं हो सकया। पंजाब च हमेशा भाईचारक सांझ ते कानून की व्यवस्था बनी रहेगी। उन्हें कहा कि पंजाब च अतवादी वापसी का सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। पंजाब च लगातार गैंगस्टरां वल्लों कतल दीआं वारदातां नूं अंजाम देण नूं लैके भगवंत मान ने कहा कि ये जो गैंगस्टर ने ये कोई 7-8 महीने तो नहीं बने, सगों पहली पार्टियां ने ही पाले हुए सन। संगरूर च पंजाब राज स्कूल खेडां दा उद्घाटन मौके पंजाब वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके अपने संबोधन दौरान कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के वख-वख जिलों के स्कूली बच्चे खेडां च हिस्सा लैणगे। उन्हें कहा कि संगरूर के वार हीरोज स्टेडियम च वख-वख तरह के एथलैटिक्स खेडे जाएंगे। उत्थे तरन तारण च होए हमले बारे बोलदिया उन्हें कहा कि उसकी गंभीरता नाल जांच की जा रही है। सियासी पार्टियां इस मुद्दे से राजनीति नहीं करनी चाहिए। 2024 आम आदमी पार्टी का टकराव सिर्फ BJP नाल होगा, बाकी पार्टियां मैदान में नितरनगियां। अज अंतर डिस्ट्रिक्ट जिहड़ा 66वीं राज दीआं खेडां शुरू हो जाणगीआं। मैं सारे खिडारियों मुबारकबाद दिंदा गा। साडियां बच्चियां पूरे पंजाब भर तो वख-वख जिलों तो अपनी अपनी नुमाइंदगी लैके आए ने। मैं समझदा बड़ा अच्छा खेडां दा माहौल आ। सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जदों बतौर मुख्यमंत्री पंजाब सहुं चुकी, उस तों बाद लगातार साडा यतन आ कि साडे पंजाब दे खिडारी इंटरनेशनल खेडां च भाग लैण, ओलंपिक्स भाग लैण। और सरकार ने इस दे लई एक वक्खरा बजट भी असी जिहड़ा हैगा इस बजट दे विच जिहड़ा पहला बजट सीगा उहदे विच असी पेश कीता सीगा। बिल्कुल सरकार दा उपराला गा कि साडे बच्चे नैशनल लैवल ते खेलण, इंटरनेशनल लैवल ते खेलण, उहदे लई सरकार जिहड़ी आ सिर तोड़ यतन कर रही है लगातार। सर, दिन पे डे बाय डे पंजाब दा माहौल खराब हो रहा, तरनतारन थाने ते हमला है, किस तरह देखिए? देखो, पंजाब दा माहौल किसी नूं भी बिगाड़न दी आग्या नहीं देवांगे। सख्त तो सख्त कार्रवाई उन्होंने दोषियों के खिलाफ होगी। हजे मुढ़ली जांच जिहड़ी आ हो रही आ कि किस तरह का की हैगा, वह जो पूरी रिपोर्ट सामने आएगी उस तो बाद कमेंट करांगे। पर लेकिन पंजाब की सुरक्षा नाल किसी भी खेडन नहीं देवांगे। और मेरिया सारिया राजनीतिक पार्टियों को अपील आ कि इस मुद्दे पर राजनीति ना की जाए। पंजाब गुरुआं पीरां की धरती आ, पंजाब इंसाफ पसंद लोगों की धरती आ, और शांति बना के रखना पंजाब सरकार की पहल आ। गुरदासपुर के निजी स्कूल के फंक्शन से आम आदमी पार्टी के MLA कुंवर विजय प्रताप पहुंचे। इस मौके आम आदमी के वर्करों वालों उन्हों का निघा स्वागत किया गया। स्कूल के बच्चों वालों वख-वख आइटम पेश की गई। इस संबंधी पत्रकारों नाल गलबात करते हुए कुंवर विजय प्रताप वालों कहा गया कि फंक्शन विच बच्चों वालों वख-वख स्टेजों के कल्चर पेश किए गए, जिन्हों देख के बहुत खुशी हुई है।
उन्हें कहा कि तरन तारण के जो ब्लास्ट होया है उसकी वेरीफिकेशन पुलिस ते सरकार कर रही है ते उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम जारी रखेगी। गुरदासपुर पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन आज मनाया गया। इसका नाम संगम रखा हुआ से, इसका थीम संगम सेगा। इतने तुसी देखो बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किया और पंजाब तो अलावा महाराष्ट्र तमिलनाडु कई देशों के जेडे लोक संगीत ने उसकी प्रस्तुति हुई। काफ़ी चिर बाद क्योंकि लॉकडाउन सेगा कोरोना करके आज ये फंक्शन मनाया गया है। मैं बच्चों नू बच्चों के जेडे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ने टीचर्स ने उन्होंने मैं बधाई देवांगा। और गुरदासपुर पब्लिक स्कूल जी बहुत वधिया काम कर रहा है और इस रिमोट एरिया दे विच काफ़ी चंगे तरीके दे नाल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। असीं आस करते हाँ कि आने वाले समय दे विच स्कूल होर तरक्की करूगा। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच 3 रोज़ा युवक मेला शुरू होया, जिस दौरान प्रोग्रामा नू देखन लई खाली कुर्सियां नू दर्शक नसीब नहीं होए। चरखा रौंदा वेख्या मैं मुटियार बिना, यह गल गुरु तेग बहादुर हाल विखे करवाए गए अंतर यूनिवर्सिटी राज पद्धरी युवक मेले च देखन नू मिली। दरअसल इस साल अंतर यूनिवर्सिटी राज पद्धरी युवक मेले च नौजवान पीढ़ी पंजाबी विरसे ते सभ्याचार तो यूनिवर्सिटी प्रशासन वालों करवाया जा रहा यह युवक मेला हाल की घड़ी च फ्लॉप साबित हो गया। वख-वख कॉलेजां यूनिवर्सिटियां तो सैकड़ों विद्यार्थी द्वारा भाग लिया जा रहा है। इस मौके कैबिनेट मंत्री मीत हेयर भी विशेष तौर पर पहुंचे। पहली गल तो खुशी की गल है कि 10 साल बाद जिहड़ा सरकारी यूनिवर्सिटी के विच जिहड़ा ये मेला जिहड़ा हो रहा है ते मैं सारे जिन्हें भी इहदे च यूथ जिहड़ा पार्टीसपेट करूँगा मैं सारयां नूं मुबारकबाद दिंदा। एक मौका भी मिलता है अपने कल्चर दे नाल अपने सभ्याचार दे नाल जुड़न दा, उत्थे अपना जिहड़ा हुनर है उहनूं भी दिखाउण दा मौका जिहड़ा उह मिलता है। ये यूथ फैसटिवल दे विच्चों बहुत वड्डे वड्डे लोग निकले आ, बहुत वड्डे कलाकार इत्थों निकले आ। सब तो वड्डी उदाहरण पंजाब दे मुख्यमंत्री साहब भगवंत मान जी, बिनू ढिल्लों जी, राणा जी, दिव्या दत्ता जी, मतलब कि जिन्होंने इत्थे परफॉर्म किया ते अज दुनिया दे विच उन्हां दा नाम है। तो इस तो इलावा भी मतलब कि पॉजिटिविटी जिहड़ी है वह यूथ दे विच आउंदी है, लोकां दे विच आउंदी है ते नाल नाल कॉन्फिडेंस भी जिहड़ा बच्चे है उन्हां दा जिहड़ा बिल्ड है वह हुंदा हैगा। सो सारे जिहड़े बच्चे इहदे विच पार्टीसपेट कर रहे स्टूडेंट्स मैं उन्हां नूं मुबारकबाद दिंदा ते जिहड़े नहीं भी करते मैं उन्हां नूं भी अपील करदा कि आने वाले समय च तुसीं भी जिहड़ा सारे जिहड़े बच्चां नूं पार्टीसपेट करना। बटाला विखे 12 साल का बच्चा पतंग फड़ दे बटाला दे मेन 66 KV बिजली सब स्टेशन च दाखिल हो गया। उत्थे ही उक्त हाई वोल्टेज दियां तारां दी चपेट च आउण दे चलदे 80% झुलस गया। बिजली सब स्टेशन ते तैनात बिजली बोर्ड दे मुलाजम सुखप्रीत सिंह ने दस्या कि वह ड्यूटी ते सन कि अचानक मेन सप्लाई वाले एरिए चो ब्लास्ट की आवाज़ आई ते बिजली बंद हो गई। तो जब उन्हें उत्थे जाके देखा तो एक बच्चा मेन सप्लाई वाली थां ते झुलस रहा सी। उन्हां अते उत्थे मौजूद स्टाफ वालों पहला अग बुझाई ते एंबूलेंस नूं भी फोन किया गया लेकिन एंबूलेंस नहीं आई, जिसके चलते वह अपनी प्राइवेट गड्डी च बच्चे नूं इलाज लई सिविल हस्पताल बटाला च लै गए जिथे बच्चे की हालत नाजुक है। उत्थे बच्चे की पहचान अजयपाल वासी सिंपल चौंक बटाला वजों हुई है ते बच्चे के परिवार को भी सूचित किया गया। जबकि बिजली बोर्ड के मुलाजिम सुखप्रीत सिंह ने दसिया कि जिस एरिए च बच्चा पहुंचा उत्थे कोई राहगीर नहीं जा सकता लेकिन बच्चा उत्थे किवें पहुंच गया उस बारे उन्होंने कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल बच्चे की हालत गंभीर है ते जिसके चलते उसनों अमृतसर हस्पताल च रैफर किया गया। अमृतसर विच अज कीर्ति किसान यूनियन वालों मनुखी अधिकारां नूं लैके रोस मार्च कढ़िया गया। यह रोस मार्च भंडारी पुल तो लैके जलियांवाले बाग तक कढ़िया गया। उन्हां कहा कि अज 10 दिसंबर नूं देश भर च मनुखी अधिकारां दे दिवस वजों मनाया जा रहा है। किसान आगू ने कहा कि साडे देश अंदर वड्डे पद्धर ते मनुखी अधिकारां दा हनन किया जा रहा है। बुद्धिजीवियां लेखकां सियासी कारकुनां दे विद्यार्थियों UAP वर्गियां धारावां लगा के 4 सालों तो जेलां च बंद किया गया। उन्हें कहा कि संविधान की उलंघना की जा रही है। उन्हें भी कहा कि पंजाब दे विच सिख नौजवान ने जो अपन 30-30 साल दियां जेल दियां सजावां पूरियां कर चुके ने उन्हां दी रिहाई नूं लैके ए रोस मुजहरा कढ़िया गया। अमृतसर दे न्यू अमृतसर विखे मृतक आश्रित संघर्ष कमेटी पंजाब वालों जो पिछले दिनों बिजली बोर्ड से पंजाब सरकार वालों साल 2010 तो पहला तरस के आधार से नौकरी संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया सी। इस दे विरोध में अज बिजली मंत्री हरभजन सिंह ETO की रिहायश विखे नोटिफिकेशन दियां कापियां साड़ के रोस प्रदर्शन किया गया।
उन्होंने वालों पंजाब सरकार नूं अपील की गई कि तरस के आधार से जारी किया गया नोटिफिकेशन बिजली बोर्ड वालों हकीकत च तरस अधीन नौकरी प्राप्त करन दे योग बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार वालों नौकरियां देने दे नाँ ते कोखा मजाक किया जा रहा है। यूनियन ने अपील की कि साडा पहला ही 20 साल का समा खराब हो चुका है, सानू मुड़ संघर्ष के राह से चलन लिए मजबूर ना किया जाए। फिलहाल पंजाबी न्यूज़ से इन्ना ही, होर खबरों के नाल जल्द हाजिर होवांगे, पर जाने से पहले एक नज़र मार दें मौसम के हाल के उपर।